अफजल और अजहर, तुमने अपने घर के आसपास और घर में बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, है ना? तो जैसे हमारे शरीर के अलग अलग भाग होते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे के भी अलग अलग भाग होते हैं। अफजल, जानते हो कौन कौन से भाग होते हैं पेड़ पौधे के? हाँ, तना, पत्ती, जड़ आदि। ठीक कह रहे हो। तना है, पत्ती है, जड़ है ना? ये सब क्या है? पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे देखो, हम तुमको इसमें दिखा रहे हैं, ये है, इसमें दिख रहा है तुमको, पत्ती है ना? और क्या है ये बड़ा सा मोटा सा जो है वो तना है, और क्या है उसके नीचे जड़ जड़ है ना? तो ये होते हैं पौधे के अलग अलग बाग। भाग। अच्छा अजहर, तुम बताओ कि पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है उसको जड़ कहते हाँ, जरा हैं। जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा। पौधे का, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है वह जड़ कहलाता बिल्कुल है। ठीक कहा तुमने, है ना अफजल? पौधे जी का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है उसको वह हम जड़ कहते जड़ हैं। कहते हैं, या पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है उसको हम कहते हैं जड़ तंत्र। देखो इसमें तुमको दिखाई पड़ रहा है, नीचे का हिस्सा जो है वो कहलाता है जड़ तंत्र, तंत्र और वह हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर होता है वह कहलाता है प्ररोह तंत्र, है ना? तो क्या हो गया, वह भाग जो मिट्टी के अंदर हुआ वह कहलाया जड़ तंत्र। जड़तंत्र, हाँ बिल्कुल ठीक, जोर से बोलो। जड़तंत्र, हाँ, और जो मिट्टी के ऊपर हुआ वो कहलाता है, क्या कहलाता है? हाँ, प्ररोह तंत्र। तंत्र। और जो जड़ें होती हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, हैं? कई जड़ें जो होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और तने से सीधे निकलती हैं और मिट्टी में धस जाती हैं, है ना? तने से निकली और मोटी सी होती हैं और मिट्टी में धसी रहती हैं, तो उनको तुम जानते हो हम क्या कहते हैं अफजल? ऐसी जड़ें जो मोटी सी होती हैं क्या कहलाती हैं? वो जड़ का कौन सा प्रकार कहलाता है? वो कहलाता है मूसला जड़। मूसला जड़। हाँ बिल्कुल ठीक, जोर से बोलो, क्या कहलाता मूसला है? जड़। हाँ, ये देखो इस चित्र में तुमको ये अच्छी तरह दिखाई पड़ेगा, ये बीच में जो मोटा सा है ना, ये है, ये मूसला जड़। हाँ, ये मूसला जड़। और मूसला जड़ से इधर देखो अजहर, मूसला जड़ के साथ छोटी छोटी और जड़ें निकली हुई हैं, जो मुख्य है जो तने से सीधी निकलती है मिट्टी में धस जाती है वो तो हो गई मूसला जड़, और ये छोटी 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 जड़ें निकली हुई हैं इनको जानते हो क्या कहते हैं? कौन सी जड़ कहते हैं इनको? सहायक जड़। हाँ ठीक बताया तुमने, इनको कहते हैं सहायक सहायक जड़। सहायक तो जो मुख्य हो गई वो कहलाई मोटी वाली मूसला जड़, और जो उससे जुड़ी जुड़ी छोटी जड़ें हैं, है ना, छोटी छोटी पतली पतली दिखाई दे रही है ना, शाखाएं जैसी, ये कहलाती हैं सहायक जड़। जड़ें, है ना? और इस तरह की जो जड़ें हैं वो किन पेड़ों में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बरगद हो गया, आम, हाँ, और बरगद, बरगद आम, आम, और नीम, हाँ बिल्कुल नीम, ठीक, बरगद है, आम आम, है और नीम, नीम नीम, है। नीम, तो इसमें जो जड़ें पाई जाती हैं मोटी सी वो कहलाती है हैं मूसला जड़। मूसला जड़। मूसला जड़ कहलाती हैं। इसके अलावा जड़ का एक प्रकार और होता है जिसमें मुख्य जड़ नहीं होती है लेकिन छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं, है ना? जानते हो ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसी जड़ों को अजहर? ऐसी जड़ों को नहीं, झकड़ा ऐसी जड़ों को झकड़ा जड़ कहते हैं, है जड़। ना? और ये ज्वार में, मक्का में, बाजरा में, इस तरह के, या धान है ना, जी इसकी जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा जड़ का प्रकार होती जी हैं। तो एक हो गई मूसला जड़ और दूसरी हो गई तुम्हारी झकड़ा झकड़ा जड़, जड़। है ना? जड़ के दो प्रकार हो गए। अच्छा, तुमने कभी अगर किसी पौधे को मिट्टी से निकाला होगा तो निकालते समय क्या होता है? आसानी से निकल जाता है पौधा अजर? निकल जाता है आसानी से पौधा? नहीं निकलता ना, क्या करना पड़ता है उसमें? तुमको ताकत लगानी पड़ती है। ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है अफजल, बताओ? क्योंकि जो जड़ हाँ होती है वो मिट्टी को जकड़े हुए होती है, हाँ मिट्टी को कसकर पकड़े रहती है कसकर ना? पकड़े रहती है, जिससे हाँ कि पौधा हिले डुले, हाँ पौधे को स्थिरता प्रदान करती है चलता जड़ प्रदान जो करती है है, वो, मिट्टी को कसकर पकड़े रहती है, और जिससे क्या होता है पौधा सीधा खड़ा रहता सीधा खड़ा रहता है है। स्थिर रहता है मिट्टी के अंदर, जी है? तो जड़ का जो एक काम है वो क्या है? पौधे को स्थिरता स्थिरता प्रदान प्रदान करना। करना। इसके अलावा तुमने अगर कभी मिट्टी में पानी डाला हो, है ना, जब मिट्टी में या पौधे में जब तुम पानी डालते हो तो क्या होता है? गमले में पानी डालते हो, थोड़ी देर बाद पानी सूख सूख जाता जाता है। है, वो पानी कौन सोख लेता है?
जड़, हाँ जड़ सोख लेती है। तो जड़ क्या करती है, पानी को सोख लेती है, और उसको फिर क्या करती है अफजल, जड़ पानी को पौधे के हर भाग में पहुंचाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पानी को सोख लेती है और उसके बाद वो उसको पौधे के हर भाग में पहुंचाती है। तो एक तो वो पौधे को क्या करती है, स्थिरता प्रदान करती है, उसको सीधा खड़ा रखती है। दूसरे पानी है, और पानी के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे खाना, हाँ भोजन है, खनिज लवण है जो मिट्टी में रहते हैं, उनको भी क्या करती है वो सोखती है, उनका भी शोषण मतलब अवशोषण करती है और उसको पौधे के विभिन्न भागों में या अलग अलग भागों में पहुंचाती है जड़। तो ये हो गया जड़ का काम, है ना, कि पौधे को भोजन पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये काम कौन करता है, जड़ करती है ना, भूमि से सोख कर, मिट्टी से सोख करके। अच्छा, इसके अलावा तुम क्या जानते हो कि कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम खाते हैं या जिनका हम भोजन में प्रयोग करते हैं, कौन सी है ऐसी जड़ें? हाँ, मूली और शलजम। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मूली है और शलजम है। ये क्या है, ये शलजम है और ये है मूली, मूली है ना, ये भी क्या है, ये जड़े हैं, ये ऐसी जड़े हैं जिनका प्रयोग हम भोजन में करते हैं, है ना। होता क्या है कि भोजन बनाता कौन है, पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन, पत्ती, पत्ती, हाँ पत्ती है जो भोजन को बनाती है। तो ये पत्ती भोजन बनाती है, उसके बाद वो भोजन जो है वो इकट्ठा हो जाता है, कहाँ इकट्ठा हो जाता है, ये जड़ है ना, जड़ में इकट्ठा हो जाता है, जिससे ये जड़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती हैं, ये पत्ती जो है, पत्ती किसकी सहायता से भोजन बनाती है अजहर, तुमको पता है जी? हाँ, किसकी सहायता से बनाती सूरज। है, बिल्कुल, सूरज नहीं, सूरज की रोशनी की सहायता से ये पत्ती भोजन बनाती है ना। वो भोजन क्या होता है, जड़ में इकट्ठा हो जाता है, जिससे जड़ें क्या हो जाती हैं, फूल जाती है, हाँ फूल जाती है ना, ये भाग जो उसका है वो फूल जाता है। इसको हम किस में प्रयोग करते हैं, खाने में करते हैं, है ना, शलजम भी तुम खाते हो, मूली भी तुम खाते हो। अच्छा, इसके अलावा और जड़ें तुम जानते हो जिनका प्रयोग हम खाने में करते हैं, बता सकते हो, और उदाहरण ऐसे बताओ, गाजर है, गाजर, हाँ बिल्कुल ठीक का, एक तुम बताओ एक ऐसा उदाहरण, चुकंदर, चुकंदर, गाजर है और चुकंदर है, ये है गाजर और ये चुकंदर है, ये भी क्या है, जड़ है, और इनका भी प्रयोग हम किस में करते हैं, खाने में करते हैं। तो इस तरह से कितनी जड़ें हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गई, शलजम हो गया और चुकंदर हो गया, ये ऐसी जड़ें हैं जिनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। तो अब तुमने क्या देखा कि जड़ जो है वो उसके कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले जो मोटी जड़ होती है, जो तने से सीधी निकलती है, उसको क्या कहते हैं, मूसला जड़, उसको, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उसको हम कहते हैं मूसला जड़। और मूसला जड़ से जुड़ी जुड़ी जो छोटी जड़ें होती हैं वो कहलाती हैं सहायक जड़, बिल्कुल ठीक, वो सहायक जड़ कहलाती हैं। और इसके अलावा मूसला जड़ पाई किस में जाती है, नीम, हाँ आम, हाँ बरगद के, हाँ बिल्कुल, नीम है, आम है, बरगद है ना, ये जो पेड़ है इनमें पाई जाती है वो मूसला जड़। और मूसला जड़ के अलावा दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है अजहर, दूसरी, हाँ झकड़ा जड़ होती है ना, ये गुच्छे जैसी होती है, पतली पतली होती है, इसमें मुख्य जड़ नहीं होती है, है ना, छोटी छोटी पतली पतली जड़ें होती हैं, हैं, और ये पाई जाती है जैसे गेहूं हो गया, धान, हाँ बिल्कुल ठीक है, ज्वार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इनमें जो पाई जाती है ये कहलाती है झकड़ा जड़, है ना। तो ये तो हो गया जड़ का प्रकार, और जड़ का कार्य क्या हो गया, पौधे को मिट्टी में स्थिर, बिल्कुल ठीक से बोलो, स्थिर करके रखना, रखना या पौधे को, हाँ स्थिरता प्रदान करना। और इसके अलावा दूसरा क्या काम है जड़ का, हाँ पौधे के हर भाग में पानी पहुंचाना, हाँ पानी पहुंचाना और भोजन पहुंचाना, है ना, जड़ है, जड़ में पानी डालते हैं हम लोग या पौधे में पानी डालते हैं, तो सबसे पहले उसको कौन सोखता है, जड़ है ना, उसको सोख लेती है और उसके बाद वो पौधे के सारे भागों में उसको पहुंचाती है ना। खाली पानी ही नहीं, पानी के अलावा और क्या चीज है, जैसे भोजन, हाँ भोजन है, खनिज लवण है ना, जो मिट्टी से लेती है और लेकर के
खाना बनाती। हाँ, पौधे के सारे भागों में खाना नहीं बनाती, खाना बनाने का काम तो कौन करता है? पत्ती, पत्तियां करती हैं सूर्य की रोशनी की सहायता से। जड़ जो है वो खनिज, जमीन से खनिज लवण को खींचती है, खींचती है और उसके बाद में उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है ना। फिर उसके बाद तुमने ये भी देखा कि कुछ जड़ ऐसी भी होती हैं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? खाने में, खाने में करते हैं, भोजन में करते हैं। और ऐसी जड़ें कौन कौन सी होती हैं? मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम। और ये जड़ें कैसी होती हैं? फूली हुई होती हैं, मोटी होती हैं। और ये क्यों होती हैं ऐसी? पत्ती जो खाना बनाती है वो जड़ के अंदर एकत्रित हो जाता है, इसलिए वह फूल जाती है। है ना, पत्ती जो खाना बनाती है वो जड़ के अंदर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए जड़ का वो हिस्सा जो है वो फूल जाता है। और उसके बाद उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? उसका प्रयोग हम खाने में करते हैं। हाँ, भोजन में करते हैं। तो इस तरह से आज तुम लोगों ने जड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, है ना, बहुत सारी जानकारी तुम्हें जड़ के बारे में मिली।